फरीदाबाद में सरेआम बूथ कैप्चरिंग के बाद अब फतेहाबाद के भोड़िया खेड़ा महिला कॉलेज में रखे ईवीएम की सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला सामने आया है, जहां कॉलेज में बने ईवीएम स्ट्रांग रूम कैंपस में आज एक संदिग्ध ट्रक अचानक घेरे को पार करते हुए अंदर तक जा पहुंचा, जिसमें काफी संख्या में ईवीएम से भरे बड़े संदूक लदे हुए थे, जिसको स्ट्रांग रूम कैंपस में तैनात पुलिस कर्मियों ने बिना किसी जांच और परमिशन के अंदर जाने दिया। लेकिन ट्रक का पीछा करते हुए कांग्रेस नेता मौके पर पहुंचे, जिन्होंने मामले की सूचना कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर को भी दी, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे। कांग्रेसी नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर मिलीभगत के चलते स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम को बदलने के आरोप लगाए। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने बताया कि ट्रक चालक इतनी हड़बड़ाहट में था कि वो इससे पहले भी रोड पर एक कार को टक्कर मारकर यहां तक पहुंचा है। करीब 4:30 बजे के करीब एक ट्रक आया जिसके अंदर ये ईवीएम मशीनें थी बहुत सारी। जब हमने उससे पूछा कि भाई ये ट्रक जो है ये किस लिए आया और इसमें क्या है, उन्होंने बताया कि इसके अंदर ईवीएम मशीनें हैं। हमने उनसे पूछा कि क्या आपके पास में परमिशन है, तो उनके पास में कोई परमिशन नहीं थी, न वो परमिशन दिखा पाए। और ये जो गेट है गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भोड़िया खेड़ा का, इस गेट के अंदर उसने बिना परमिशन के एंट्री की, यहाँ पुलिस के आदमी बैठे हैं, 3-4 आदमी बैठे हैं, इनके होते हुए इन्होंने गेट के अंदर एंट्री की और न ही इन्होंने कोई उनसे लेटर देखा, कोई परमिशन लेटर देखा। सिर्फ ये था कि ये हरियाणा सरकार का कैंटर है, हरियाणा सरकार का ट्रक है, और वो जो ट्रक है उसके अंदर जो ईवीएम मशीनें थी वो ऐसी संदिग्ध मशीनें थी, और हमें आशंका है बल्कि पूरा शक है कि वो ईवीएम मशीनें, ये मशीनें जो है, ये मशीनें बदलने के इरादे से उन मशीनों को लाया गया था और वो उस मशीनों को बदलने में नाकामयाब रहे। क्योंकि मौके पर कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो है उनको पता चला, हमने एक दो को फोन किया तो हम यहाँ इकट्ठे हुए। कांग्रेसी नेता ने बताया कि मामले को लेकर मौके पर पहुंचे एसपी और डीसी भी इस संदिग्ध ट्रक के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए। कांग्रेस नेताओं ने मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की पूरी मिलीभगत की आशंका जताई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने डीसी को बीजेपी जिला अध्यक्ष के तौर पर काम करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस नेता ने स्ट्रांग रूम में तैनात पुलिस कर्मियों पर आशंका जाहिर की है। उसके पीछे हमें जाहिर है और बिल्कुल ये 100% हमें सही लग रहा है कि जो डीसी है वो भी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब उसके सामने कोई प्रमाण नहीं है, उनके पास में किसी प्रकार का अथॉरिटी लेटर नहीं है और वो उस पर कोई कार्रवाई करने की बजाय उस ट्रक को डीसी साहब अपने साथ ले गए, एसपी साहब उसकी सिक्योरिटी के लिए वापस गए। तो ये 3 लेयर की सुरक्षा यहाँ पे बता रहे हैं, ये 3 लेयर की सुरक्षा है, पहले झारखंड आर्म फोर्स है, उसके बाद आईबी है और उसके बाद आपकी ये हरियाणा पुलिस है। तो क्या लगता है इतनी बड़ी चूक को मतलब जानबूझ के अंजाम दिया गया है या क्या साजिश क्या है? ये हमें ऐसा ही लगता है कि ये सारा जो मामला है ये मैनिपुलेटेड है और इसको जानबूझ के ऐसा अंजाम दिया गया है, और जो सिक्योरिटी में जो आदमी लगाए गए हैं वो भी उनके चुनिंदा लोग हैं, उनको पिन पॉइंट करके लगाया गया है। फिलहाल कांग्रेस नेता इतनी भारी मात्रा में एक संदिग्ध ट्रक में ईवीएम पहुंचाने के मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही मामले को लेकर जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जिला प्रशासन ने ट्रक को बिना किसी चेकिंग के कैसे और क्यों वापस जाने दिया। फिलहाल कांग्रेस नेता कॉलेज के गेट के बाहर टेंट लगाकर बैठ गए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब दिन दहाड़े इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है तो रात के वक्त भी ऐसी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन द्वारा मामले की कोई जांच हो पाती है या नहीं। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी।